सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि दो जो सीरीज समीशन ए एन वो कन्वर्जेंट है तो सेकंड ऑप्शन वो कह रहा है कि समीशन ए एन इज अ कन्वर्जेंट थर्ड ऑप्शन में समीशन ए एन स्क्र इज कन्वर्जेंट और फोर्थ ऑप्शन में समीशन माइनस वन टू दावर एन इन टू ए एन तो अगर मैं लास्ट की बात करूंगा तो लास्ट सीरीज जो है वो Leibniz टेस्ट से ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तो इस पे टेस्ट यूज कर लोगे तो ये सीरीज डेफिनेटली कन्वर्जेंट है अब इसके बारे में और इसके बारे में जानना है तो यहां से समीशन ए एन कोशिकेशन टेस्ट लगा रहा हूं कन्वर्जेंट है अगर ए एन पॉजिटम का सीरीज है कन्वर्जेंट इफ एंड ऑन लिफ समीशन टू टू, टू पावर एन ए टू टू पावर एन इज कन्वर्जेंट ठीक है तो इस सीरीज को यहां से अगर कैलकुलेट करेंगे तो समीशन टू की पावर एन वन अपॉन टू की पावर एन इन टू लॉग ऑफ टू की पावर एन ये आ जाएगा ये कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आ गया समीशन वन अपॉन एन इन टू लॉग टू तो वन अपॉन लॉग टू आउट कर लो इसको तो समीशन वन अपॉन एन आ गया और ये सीरीज आप जानते हैं डाइवर्जेंट है और इसी अगर ये इफ एंड ऑन लिफ कंडीशन है तो इसके डाइवर्जेंट होने से ये भी क्या होगी डाइवर्जेंट तो आपका ये जो सीरीज है वो डेफिनेटली क्या होगी डाइवर्जेंट तो सेकेंड ऑप्शन फॉल्स हो गया वो कह रहा है ये कन्वर्जेंट है थर्ड ऑप्शन के लिए वो कह रहा है कि समीशन ए एन स्क्र समीशन ए एन स्क्र की अगर वो बात कर रहा है तो इसको मैं लिखूंगा तो यह समीशन एन स्क्र लॉग ऑफ एन होल आ जाएगा और लॉग ऑफ एन होल स्क्र जो है उसको अगर मैं रिमूव करूंगा तो ये इसको लिख सकता हूँ लेस देन और इक्वल टू ऑफ अपॉन एन स्क्वेयर और कंपेरिजन टेस्ट से फर्स्ट कंपेरिजन टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसको क्या होना होगा कन्वर्जेंट तो आपका जो डी सी ऑप्शन है वो भी टू हो गया तो आंसर शुड बी ए सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन क्लियर है